यीशु मसीह के अति धन्य नाम में आप सभी अजीजों को और खुदा के खादिमों को भी जय मसीह की। फिर से इस सप्ताह के आखिरी दिन प्रभु के चरणों में वचन के साथ हमें बैठने में प्रभु ने मदद किया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करने के साथ ही साथ आप सबको भी और पास्टर सन्नी और उनके परिवार का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारे लिए ऐसा अवसर उन्होंने बना कर दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड करना और उन तक पहुंचाना, जरूर परमेश्वर की वचन हम और उन तक पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर मैं लोगों को बताता हूं कि इन चीजों का धंधा नहीं बनाना, बस उतना ही कि परमेश्वर के कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बस उतना। तो परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। हम ये देख रहे थे पिछले दिनों से कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन हमारे सोच विचार के समय के अनुसार नहीं, परंतु कभी भी हो सकता है, शीघ्र हो सकता है। इसीलिए हमको क्या करना है, तो हमने पिछले दिनों में मेरे ख्याल से 15 बातों को देखा है, है ना? हाँ जी ठीक है। तो आखिरी में हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के जल्द आने के लिए हमें यत्न करना है, तो वी हैव टू हैसन द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। दूसरा पत्रस 3:12 से लेकर या फिर 9 से ही लेकर हम लोगों ने देखा, तो प्रभु की आगमन जल्द होने के लिए हमें यत्न करना है। तो किसी ने पूछा कि क्या हम प्रभु के आगमन को जल्द कर सकते हैं, तो उस प्रकार हो सकता है तो जरूर। उसी के लिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हें प्रभु के आगमन को जल्द करने की यत्न में लगे रहना है। अवश्य हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जब अपने समय की पूरा होने की व्यवस्था के अनुसार करता है, तो समय की पूरा होने का मतलब तो यह हो गया कि प्रभु की आगमन के लिए बाकी सब प्रकार के वातावरण तैयार हो जाए। तो हमने पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्हों के बारे में जब देखा, तब पाए थे कि संसार मसीह विरोधी के आगमन के लिए पूरे तौर पर तैयार हो रही है। इस संसार में लगभग सभी तैयारी उसकी राजा या संसार के हाकिम मसीह विरोधी को लेने के लिए, उसकी तख्त रखने के लिए कर चुके हैं। तो हमको चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन को जल्द करना। उसके लिए क्या क्या करना है वो भी कल देखे थे, तो हम वहां से आगे को बढ़ेंगे। उन्हीं वचनों में से हम 16वां बात को देखेंगे, तो 16वां बात उसकी उसी का दूसरा पत्रस 3:11 पद है। एक बार और पढ़ लीजिएगा 3:11। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। वहां देखा ये सब कुछ मसीह के आगमन होने वाला है और इस संसार के सब कुछ पिघलने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा ने वहां कहा है कि तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति के जीवन बिताते हुए या उस चाल चलन में कैसे मनुष्य बनना चाहिए। अर्थात 16वां बात ये है, बी होली एंड गॉडली, और
having a godly conduct, a holy conduct and godliness. We have to keep holy conduct and godliness. हमको पवित्र चाल चलन और भक्ति के जीवन बिताना चाहिए, ठीक है ना? पवित्र चाल चलन, हमारे जिंदगी में ये दो बातें होना बहुत ही जरूरी है। एक है पवित्रता, दूसरा है भक्ति। तो केवल विश्वास करने से नहीं, हम लोग गाने भी तो गाते हैं, विश्वासियों को लेकर जाने वाला है हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और विश्वासियों को ले जाने वाला है। नहीं, विश्वासियों को लेने मसीह नहीं आ रहे हैं, परंतु पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे उनमें से कोई भी प्रभु के साथ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह परम पवित्र है। वो पवित्रता में परमेश्वर कोई भी समझौता नहीं करता है, ठीक है ना? संसार के कोई लोग हो, सरकार हो, या फिर यहां तक कि कोई धर्म धार्मिक लोग भी क्यों ना हो, बाइबल कॉलेज में भी एडमिशन मिलना हो, चाहे किसी संस्था में आपको पास्टर भी बनना हो, तो भी सिफारिश से चलता है काम, या चेहरा देख के हो सकता है काम, पैसा से हो सकता है काम, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग मसीह के साथ उठा लिया जाना किसी सिफारिश वाली बात नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार में चेहरा देख करके नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर किसी की चेहरा नहीं देखता है। देखिए रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय में परमेश्वर के दास के द्वारा पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने वो बात तो कहा है। दूसरा अध्याय उसका 11वां पद है, रोमियो 2:11। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पहला पत्रस 1:17 भी देख लीजिए, पहला पत्रस 1:17 भी। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। बिना पक्षपात की हर एक के काम के अनुसार न्याय करने वाला, बदला देने वाला परमेश्वर, उसी को हम पापा करके पुकार रहे हैं। हम जिसे हे पिता करके प्रार्थना करते हैं, हे पापा करके हम जिसे बुलाते हैं, वो तो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार, हर एक को अपने कामों के अनुसार न्याय करने वाला हमारे परमेश्वर है। इसीलिए प्यारों, कोई भी अपवित्रता में जीवन बिताने वाले व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पत्रस की पत्रिका में अगला पद भी देख लीजिएगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर देखा निर्दोष जी और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। 14:15 आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो देखा उसकी 14वां वचन हमने पिछले एक बात के लिए मनन किए थे, बाकी में बताया है कि हमें आज्ञाकारी बालकों बच्चों के तरह हमारे हर एक चाल चलन में पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि
वचन में पुराने नियम में इसराइलियों से परमेश्वर ने कहा था कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो प्रभु हमें बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए हमको भी हमारे हर एक चाल चलन में पवित्र बनना बहुत जरूरी है। वहां पर ध्यान देना, हर एक चाल चलन में, किसी किसी में नहीं, हर एक चाल चलन में हमें पवित्र बनना बहुत जरूरी है। तो शायद आपने सुने होंगे, एक कहानी है, शायद मैंने सुना भी और कहीं किताबों में पढ़ा भी। वो ये है कि कई साल पहले, जबकि हर किसी के पास में गाड़ियां नहीं होती थी, हर किसी के पास में कैमरे नहीं होते थे और मोबाइल फोन नहीं था, उस जमाने की बात है, कई साल पहले की बात, शायद घटना भी हो, मैंने सुना भी पढ़ा भी ऐसे था कि उस समय में जो कार चलाने वाले भी एसी चालू नहीं करते थे, तो बिना एसी की गाड़ियां चलती थी उस समय। तो एक पेट्रोल पंप के अंदर एक परिवार अपने कार लेकर के पहुंचे पेट्रोल भरवाने। तब पेट्रोल पंप का मालिक ही वहीं खड़ा था भरने के लिए पेट्रोल, क्योंकि मजदूर कहीं खाने वाने में चला गए थे। तो उसके पास में एक नया नया कैमरा था, उस समय में निकला हुआ एक नया नया काफी कीमती कैमरा, कैमरा तो बहुत ही कम लोगों के पास पाए जाते थे। तो ये नया नया कैमरा कैसे नीचे रखे, सोच करके उस आदमी ने, वो पेट्रोल पंप के मालिक ने ऐसे कर दिया था कि उसने अपना कैमरा पेट्रोल भरते भरते में, वो गाड़ी के अंदर एसी नहीं था तो उसका कांच खुला था तो अंदर ही रख दिया, लेकिन गाड़ी वाले को पता नहीं चला। पेट्रोल भरा, पैसा दिया और पेट्रोल पंप का मालिक भी भूल गया कैमरा लेने के लिए, गाड़ी वाले को पता भी नहीं तो वो चला गया। अभी के जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह होते नहीं थे, तो गाड़ी चले जाने के बाद में मालिक को याद आया, अरे मेरा कैमरा तो गाड़ी के अंदर था, कौन सा गाड़ी था, नंबर क्या था, कुछ नहीं याद है। वो बहुत ही उदास होकर के बैठे थे। तो काफी देर के बाद ये गाड़ी वापस आ गया, क्योंकि ये आदमी जहां अपने मुकाम पहुंचना था उधर जाकर के देखा तो कैमरा देखा, और उसको पता नहीं किसने रखा, लेकिन केवल पेट्रोल पंप में ही उसने गाड़ी रोका था तो उसको लगा कि शायद उसी का होगा, इसलिए वो पूछने के लिए वो वापस आया। तो दुकान ये पंप वाले को बहुत अच्छा लगा और उसने बहुत तारीफ किया, कैमरा वापस दे दिया। और उसके बाद में कैमरा मिलने की खुशी में उस पंप के मालिक ने बोला कि भाई साहब, आप और पत्नी परिवार के साथ में थे, आप और पत्नी जरा बाहर आई, आपका एक फोटो निकाल देते हैं और हम अखबार में भी देंगे कि आपने इतना बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये आदमी गाड़ी वाला बहुत ही मना करने लगा कि नहीं, फोटो नहीं लेना, लेकिन ये पंप वाला तो फोटो लिए बिना उसको छोड़ भी नहीं रहा। आखिरी में गाड़ी वाला ने पेट्रोल पंप वाले से कहा, माफ करना भाई साहब, हमारे फोटो मत लेना, क्योंकि ये तो मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी, मैं तो लेके घूम रहा हूं लेकिन ये मेरी पत्नी नहीं है। क्या आया समझ में? पत्रस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा कि हर एक चाल चलन में तुमको पवित्र बनना चाहिए, लेकिन ये आदमी को देखिए, वो सामान के विषय में, कैमरे के विषय में तो वो बिल्कुल ईमानदार है, पवित्र है, लेकिन देखो अपने नैतिक जिंदगी में कैसा है, पारिवारिक जिंदगी में कैसा है। पराए किसी की पत्नी मिला तो उसे वापस नहीं देना, उसको अपने साथ में लेके घूम सकता है, उसमें तो वो अपवित्र निकला, लेकिन कैमरा के विषय में वो बहुत ही पवित्र निकला। शायद हमारे भी जीवन में कई बार ऐसे होते हैं, छोटी छोटी सी मामलों में तो हम बिल्कुल पवित्र बन सकते हैं, लेकिन बड़े मोटे मोटे मामले होते हैं
उन बातों में हम कैसे हैं। तो प्यारो, हर एक बातों में हमको पवित्र बनना बहुत जरूरी है, हर एक बात में हमें पवित्र बनना, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर से मुलाकात ही नहीं कर सकते हैं। पढ़िएगा इब्रानियों 12वां अध्याय का 14वां वचन, इब्रानियों की पत्री 12 का 14 पढ़िएगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। देखा, पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। यहाँ कौन सी पवित्रता की बात कर रहे हैं? मेल मिलाप वाला पवित्रता की बात कर रहे हैं। उस 14वीं पद में पत्रस प्रेरित ने कहा, जो भी परमेश्वर के दास है, पौलुस ने लिखा तो पौलुस, अपुल्लोस तो अपुल्लोस, कोई भी हो, लिखने वाला ने कहा कि हर किसी से मेल मिलाप रखो, रिश्तों में पवित्रता की जरूरत चाहिए, लेन देन में पवित्र होना चाहिए, चाल चलन में पवित्र होना चाहिए, नौकरी की जगह पे पवित्रता ही बरतना अति आवश्यक है। तो यहाँ इब्रानियों की पत्री का लेखक का कहना है कि तुम्हारे आपसी रिश्ते में हर किसी के साथ में मेल मिलाप रखो, किसी से नाराज ना रहो, किसी से गुस्से में ना रहो, किसी की नफरत ना करो। प्यारो, हम ताली बजाकर अन्य अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर की इबादत करना आसान काम है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम आपस में मेल मिलाप की रिश्ता रखें। मैं आपको चुनौती देकर के पूछता हूं, हम में से कितने लोग ये बोल सकोगे कि मैं किसी से भी नफरत नहीं करता, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं, मेरा रिश्ता हर किसी मनुष्य से मेल मिलाप की रिश्ता है। मैं चुनौती के साथ में आपको ये बात आपके सामने रख रहा हूं, क्या प्यारो हमारा रिश्ता हर किसी से मेल मिलाप का है? मैं जानता हूं कई सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल, आध्यात्मिक कहलाने वाले लोग, बाइबल पढ़ने में पढ़ाने में माहिर, गाना गाने में गवाने में तो बिल्कुल तेज, परमेश्वर के काम के लिए शायद पैसा देने में नंबर वन, ये सब कुछ है, लेकिन अपनी खुद की माँ बाप की देखभाल नहीं करते, माँ बाप से रिश्ता टूटे पड़े हैं, खुद की बात, दूसरों की तो छोड़ो, खुद की माँ बाप से, शायद माँ बाप से दूर रहते हैं, लेकिन पापा मम्मी की ख्याल तक नहीं पूछते, साल में एक बार भी माता पिता के साथ में जाकर रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, माता पिता से तक नफरत में रहने वाले लोग, माता पिता से तक नाराजगी में रहने वाले लोग मेरी पहचान में है, मेरे पहचान में है। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे हो तो प्यारो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवश्य उन तमाम प्रकार की नाराजगी से, टूटी हुई रिश्ते से आपको बचना बहुत ही जरूरी है। मैं इन सब बातें क्यों बताता हूं कि मुझे इन चीजों से कोई लाभ नहीं, शायद हम में से कोई आपस में मिलेंगे तक नहीं, पता नहीं परमेश्वर ऐसा अवसर देंगे नहीं देंगे, हम लोग कभी आपस में मिल सकेंगे नहीं मिल सकेंगे, बात भी कर सके नहीं कर सके। अब इतने दिनों से हम लोग क्लास में हैं, लेकिन उस प्रकार का कोई रिश्ता हमारे किसी के बीच में नहीं है। तो कहने का मतलब, इस प्रकार की कोई रिश्ता न होने पर भी, इस प्रकार हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं तो भी, इन सब बातों को मैं कहने का तात्पर्य यह है कि हम में से कोई भी यीशु मसीह की आगमन में छोड़ दिया न जाए।
ये बहुत ही जरूरी है। प्यारो, मैं आपको इस वचन के आधार पर बताता हूँ कि आपस में नाराज रहने वाले लोग, लड़ने वाले लोग यीशु मसीह के आगमन में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप में से कोई चाहे सासू माँ और बहू के बीच में क्यों न हो, बाप बेटे के बीच में क्यों न हो, भाई भाई के बीच में क्यों न हो। बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां भाई भाई तो बहुत ही प्रेम के साथ रहते थे, लेकिन दोनों भाइयों ने शादी कर ली या तीनों भाइयों ने शादी कर ली, बस जो आ गई बहुएं इतने लड़ने लगे कि पूरे घर के एक एक पत्थर को अलग अलग रखवा दी। बहुत से ऐसे परिवार हैं प्यारो, इसीलिए आप चाहे इन-लॉज हो या खुदी भाई बहने हो, किसी भी व्यक्ति आपस में लड़ते और नाराज रहते मेल मिलाप की रिश्ता नहीं। आज परमेश्वर की आत्मा हमको मेल मिलाप के लिए बुला रहे हैं, मेल मिलाप के लिए। उसमें क्या हमने पढ़ा, एक बार और उसको पढ़िएगा सिस्टर, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। 15वां पद भी पढ़ लीजिए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। तो 14 में देखा, उस पवित्रता की बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देख पाएंगे। जाने वाली तो बात दूसरी बात, लेकिन देखने के लिए तक पवित्र होना जरूरी है। 15वां पद में बताया, कोई कड़वाहट की जड़ तक उगना नहीं चाहिए। कड़वे जड़ बिल्कुल हमारे अंदर फूटना, उगना नहीं चाहिए। कहीं पर भी कड़वाहट की जड़ उगड़े हो, आमीन, उगे हो, कहीं पर भी कड़वाहट की सोकता निकले हो, प्यारों प्रभु के पास नहीं जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। चेतावनी दिया है, चेतावनी दिया है। उसी के साथ ही साथ में चलिएगा मत्ती के सुसमाचार में, वो भी हमें मालूम है वैसे, फिर भी एक बार और हम देखेंगे। 5वां अध्याय मत्ती के सुसमाचार, 5 अध्याय और उसकी वैसे वो शुरू होता है 21वां पद से फिलहाल, लेकिन हम तो उसकी 23 से पढ़ेंगे। 21-22 भी है उसमें, मैं वो बता दूंगा, लेकिन 23 और 24 को पढ़ लीजिए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। 25 भी पढ़ लीजिए। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सिखलाया हुआ बात है, कहा है जब तुम भेंट लेकर वेदी पर जाते हो। अभी तो हमें भेंट लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं, पुराना नियम में मंदिर में वेदी था, वहीं बलि चढ़ाया जा सकता था, वहीं आराधना हुआ करता था, लेकिन नया नियम में ऐसे नहीं, हम जहां हैं वहां प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो जब भी बताया तुम परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना के लिए पहुंचते हो, भेंट चढ़ाने पहुंचते हो, तो तुम्हें स्मरण आए कि तेरा भाई को तेरे विरोध में कुछ है, तो भेंट की वस्तु को तू वहीं छोड़ और वापस जा अपने घर, अपने भाई के पास जाओ, भाई से मेल मिलाप कर लो
उसके बाद आकर भेंट चढ़ाओ। प्यारों आप बताइए यहाँ कौन सा अति आवश्यक है, ज्यादा खासियत का है, भेंट या आराधना है या रिश्ते की मेल मिलाप है, किसको ज्यादा खासियत देना है, मेल मिलापी रिश्ते को या फिर आराधना को? बिल्कुल ध्यान दीजिए कि मेल मिलाप की रिश्ते की बिना आराधना चढ़ाना परमेश्वर के लिए स्वीकार नहीं है। फिर से बताता हूं, अगर किसी से भी हमारे मेल मिलाप होना बाकी है लेकिन हम बलि चढ़ाएं आराधना करें तो हमारे परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह के साथ अगर जाना है तो हम ये 16वीं बात को देख रहे हैं कि हमको पवित्र बनना चाहिए। पवित्रता ही हर एक क्षेत्र में चाहिए, यहां तक कि हमारी रिश्तों की मेल मिलाप में भी आवश्यक है। किसी के साथ हमें रूठे हुए नहीं रहना है, नाराज नहीं रहना है। अभी मेरा सुनने वालों में से कोई भी व्यक्ति किसी से भी रूठे हुए हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, इसी वक्त में निर्णय लें। भले ही मीटिंग में से आप उठ के चले जाएं तो भी चलेगा, लेकिन जाकर उस व्यक्ति से मुलाकात करें, मेल मिलाप कर लें, मेल मिलाप कर लें। बिना मेल मिलाप की कोई भी रिश्ता हम किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो बड़ा उस्ताद लोग हैं कि वे तो हर किसी से नमस्कार करता है, भाई साहब क्या हाल है, जो भी मिले तो बिल्कुल गला मिले बिना नहीं छोड़ता, चाहे कोरोना भी हो तो भी नमस्ते नहीं, हाथ मिलाते गले मिलते हैं, उतना प्यारे हैं, उतना बिल्कुल संगत रखता है। लेकिन वो ऐसा उस्ताद है कि वो तो जहर के अंदर की कीटाणु है, जहर की अंदर की कीटाणु। मलयालम में हम लोग बोलते हैं पाषाण तले कृमियाणम, विषत्तिनगत्तुंडाकुन्न पुलुवाणम, कि जहर के अंदर पैदा होने वाली कीटाणु है वो आदमी, क्योंकि क्या करता है, और बहुत से लोगों के अंदर कड़वाहट को उत्पन्न करता है। अभी तो पास्टर जी और उनकी पत्नी से तो मेरा अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैं पास्टर जी की पत्नी के विरोध में पास्टर जी को बता दिया, उन दोनों को मैं आपस में लड़वाता हूँ। मैं तो तब भी दोनों से बिल्कुल प्यार से रहता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, उसके लिए प्रेरित ने वहां पर बताया किसी की भी अंदर कड़ुआ जड़ उगने नहीं देना। प्यारो ऐसे भी लोग हैं, उसी के बारे में है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 में बताया, धन्य है वे जो शांति को बनाता है, शांति मेल कराने वाला धन्य है, मेल कराने वाला धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र संतान कहलाएंगे। लेकिन कलीसिया के अंदर भी, पास्टरों के बीच में भी, अगुओं के बीच में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेल के साथ रहने वालों के बीच में फूट लगवाता है। घर के अंदर भी ऐसे हैं, पति पत्नी के बीच में फूट लगाने वाले सासू मां लोग हैं, भाई भाई के बीच में फूट लगाने वाले भाइयों की पत्नी लोग हैं। इस प्रकार सब चर्च के अंदर भी, घर के अंदर भी हमें मिलेगा। लेकिन अगर मेल करने वाला, कराने वाला परमेश्वर के संतान कहलाएंगे तो फूट लगाने वाला कौन कहलाएगा? हमें मालूम है ना, मेल कराने वाला परमेश्वर का संतान है तो फिर फूट लगवाने वाला शैतान का औलाद है। हम में से कोई इबलिस की औलाद ना बने, शैतान के संतान ना बने, खुदा के संतान बने,
परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बने। ठीक है, एक वचन और हम उसमें से पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी आखिरी पद को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का आखिरी, शायद कल भी हमने पढ़े थे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कोई भी अपवित्र काम करने वाला, कोई भी घृणित काम करने वाला, झूठ की गढ़ने वाला, कोई भी अशुद्ध वस्तु को छूने वाला तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह की जल्द आना है, इसीलिए हमको क्या करना है, 16वीं बात को हम देख रहे हैं कि हम पवित्र चाल चलन और भक्ति की जीवन बिताना चाहिए। पवित्र चाल चलन के बारे में हमने देखा है, पवित्र चाल चलन जो अपवित्र है, झूठ है, झूठ की गढ़ने वाला है, झूठ की बोलने वाला है, वे कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्यारों, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। एक बार और हम पढ़ेंगे उसी का 22 अध्याय का 14 और 15 फिर से। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। परमेश्वर हमारे लिए नया यरूशलेम का एक नगर, शहर तैयार कर रहे हैं। वो पवित्र नगर है। हम लोग शायद गाना भी तो गाते हैं, पिता को भाया है हमको ये नगर दे दें, वो पवित्र नगर भी है, ऐसे करके गाने तो गाते हैं हम, हिंदी में है। तो उस नगर में प्रवेश करने के लिए हमको हमारे जीवन रूपी वस्त्र को धोना है, यहां बताया है। अपने वस्त्र को धोने वाला, साफ करने वाला धन्य है, उसको हमें धोना है। और उस वस्त्र को धोते हुए नगर में हम प्रवेश करें। 15वां पद में बताया है कुत्ते उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। यहां की कुत्ते का मतलब चार पांव और पूंछ वाले कुत्ते के बारे में नहीं। सभी लोग एक बार वापिस जुड़े, टाइम लास्ट हो रहा है।